नमस्कार, हम हैं राकेश कुमार, रउआ देख रहल बनी फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार के भोजपुरिया बुलेटिन। पूरा देश में खंड खंड में ही सही, लेकिन लगभग हर जगह लॉकडाउन के स्थिति बा, पाबंदी बा। आई पाबंदी जे बा, ये कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगावेला रहे, ओकरा चक्र के तोड़ेला रहे, आ धीरे धीरे ओकर असर अब दिखाई भी देवे लागल। चूँकि पिछला 24 घंटा में जौन रिपोर्ट आयल बा स्वास्थ्य विभाग के, ओकरा अनुसार 3,26,098 आदमी नया मरीज पावल गए, जबकि रोए याद हो कि एकरा पहले 4,00,000 का ऊपर हो गया रहे, मतलब कि आंकड़ा कुछ घटल है। वैसा ही मौत के जो आंकड़ा बा, वो बात 3,890 आदमी के, वो भी 4,000 से ऊपर रहे। लेकिन जोना हिसाब से नया मरीज के आंकड़ा घटल है, वो हिसाब से मौत के आंकड़ा नहीं के घटल, ये थोड़ा चिंताजनक बा। लेकिन अब देखिए, जब कुल जे अभी तक संक्रमित बा, वो हो गल बा 2,23,72,243 आदमी, जबकि मौत के आंकड़ा कुल हो गल 2,66,229 को। खैर, लेकिन फिर भी ये लॉकडाउन के कहीं ना कहीं बेहतर असर दिख रहा है। अब देखिए कि पप्पू यादव के गिरफ्तार कल गए रहे, जे जाप पार्टी के अध्यक्ष बना, पूर्व सांसद, वो DMCH में उनका के रखा रहला, जहां उनकर स्थिति खराब हो जा रहा बा, तबीयत खराब हो रहा बा। कालू ओकरा चलते जबा से उनकर कई तरह के इलाज प्राइवेट बगल का हॉस्पिटल सब में करावल गेल सरकारी खर्चा पर, आ ओकरा बाद में शाम में जो रिपोर्ट आयल, वो रिपोर्ट का आधार पर DMCH के अधीक्षक का नेतृत्व में एक डॉक्टर लोग के टीम बैठल, जे लोग चिंता जताते हुए जबा से उनका के पटना रेफर करे के फैसला ले लगलो। अब हमें कुछ प्रशासनिक जे तैयारी हो खले, ओकरा बाद हो सकता कि आज वो पटना रेफर हो जा। अब देखी कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकर भाई, छोट भाई, उनकर नाम है असीम बंदोपाध्याय, उनकर मौत हो गया आज सवेरे कोरोना से। इस सब देन है बंगाल चुनाव का समय, जे रैली होते रहे, जे तामझाम होते रहे, ओकरा चलते पहले भी आशंका जतावत रहे कि वहाँ पे कोरोना के बहुत बड़ा जेबा से एक आक्रमण हुई या हुए भेल। अब देखी कि मुजफ्फरपुर में एगो हॉस्पिटल बा, निजी हॉस्पिटल, वो में पिछले 5-7 दिन से एक सेवानिवृत्त एगो शिक्षक रहे हैं, वो अपन इलाज करावत रहे हैं, वो मनियारी के हों, उनका इलाज होते रहे। कालू एकाएक जबा से निजी अस्पताल वाला लोग कहलक जे इनकर तबियत खराब बा, इनका के सदर हॉस्पिटल के MCH में भर्ती करावे के हुई, आ ओकरा बाद उन लोग से 5,00,000 रुपया इलाज का एवज में लेलक लोग, आ ओकरा बाद गैस सिलेंडर मास्क वगैरह लगा के उनका के एम्बुलेंस से भेज दिया। जब एम्बुलेंस पहुँचल MCH में, सदर अस्पताल में, तो वहाँ के डॉक्टर लोग देख के बतलक कि आदमी तो मर चुकल बा, माने मृत बा। तब जब जाँच भेल तो देखल गल कि ऑक्सीजन सिलेंडर में तो ऑक्सीजन रहले ना रहे, मतलब 5,00,000 रुपयो लेलक आ खाली ऑक्सीजन लगा के जिंदा आदमी के भेज दिलक, जना में आदमी के मृत्यु हो गई। ओकरा बाद स्वाभाविक बात, परिजन बहुत आक्रोशित भेल, आ परिजन लोग जे बा से निजी हॉस्पिटल के जे एम्बुलेंस बा चालक सहित ओकरा के बंधक बना लेलक लोग। हालांकि एगो बात और बा कि CSR से 4 दिन पहले वो निजी अस्पताल में गए रहस, आ वहाँ के व्यवस्था देख के ओकरा के बंद करे के निर्देश भी दिले रहस, लेकिन ऐसा भेल ना, आ वो अपन लूट के कारोबार जे बा से जारी रखले रहला। इन्हें कोरोना आ उन्हें तूफान, एगो चक्रवाती तूफान उठल अरब सागर से, जोना के नाम तौकते बा, तौकते। अब उ जबा से वो अपन असर दिखावे लागल बा, धीरे धीरे वो विकराल रूप लेवत जा रहा बा। अब देखी कि वही में हालांकि ओकरा तैयारी ला जोना क्षेत्र में, ये केरल कर्नाटक वगैरह में आ रहा बा, वहाँ NDRF के टीम वगैरह के तैयार कर देवल बा, 53 टीम तैयार भेल बा, आ ओकरे चलते केरल का कोट्टायम में बहुत तेज बारिश भी दर्ज कैल गेल। वहीं देखी कि एकर असर जब से केरल, कर्नाटक, कोंकण, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, गोवा, ये सब पर असर पड़े वाला बा, आ एकर असर जब से पूरा देश पर भी थोड़ा बहुत हर जगह पड़ी। अब देखी कि एकरा चलते
समुद्र में मछुआरा के जाए हुए पर बंदिश लगा देवल बा, वहाँ येलो जे बा से अलर्ट घोषित कर देवल गया। अमिताभ बच्चन के बात करी, अमिताभ बच्चन जे बा से ये कोरोना काल में बहुत मदद कैल हैं। मदद कैल हैं कि जैसे रघुवर गुरु रकाबगंज साहिब द्वारा एगो हॉस्पिटल चलल है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, तो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर के वो पिछले दिनों 2 करोड़ रुपया मदद में दिल रहे हैं, चूँकि वो कोविड के मरीज लोग के इलाज करत रहे। अब देखिए कि राजनीति करे वाला तो बाज ना आई, यूपी के जे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बाड़े परमिंदर सिंह, वो पर क्वेश्चन उठा दिल आ उनकर कहल बा कि ना उनकर पैसा वापस 2 करोड़ पैसा जे बा से गुरुद्वारा का वापस कर देवे के चाहिए। उन्हें दिल्ली के क्रिकेटर बने गौतम आ कुछ कांग्रेसी लोग, ये लोग जो मदद कर रहला वो लोग के मदद पर भी पुलिस जे बात से जांच बैठा देवल गया। अभी बात समझ में नहीं आवत कि का हो रहा बा, जबकि अभी वो अमिताभ बच्चन जे महानायक कहल जल से 50 गो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स के देवे के फैसला कैल हैं, आ ऑलरेडी बुक कर दिल माँ जो एक आध दिन में पहुँच जाए, चूँकि एकर कमी देश में बतावल जात रहा। अब मोतिहारी में देखें कि मोतिहारी के जे जिलाधिकारी बाड़ा शीर्षत कपिल अशोक, वो जे बाड़ा से आज आपदा प्रबंधन विभाग जे होकले ओकरे तहत जेबा से आपदा में जे मृतक लोग रहला जे हो चुकल बा ओकरा आश्रित लोग के 4-4 लाख रुपया के चेक दिला है। आज 22 आदमी के चेक देवल गया आ बतैल हैं कि ये पूरा ये वित्तीय वर्ष में अभी तक 60 आदमी के जेबा से 2 करोड़ 40 लाख रुपया देवल जा चुकल बा। तो एला पहले हमने का याद बा कि बरसों लोग आश्रित लोग दौड़त रहला लोग, लेकिन प्रशासनिक कमी के चलते ना मिलत रहला, लेकिन यहाँ के जिला पदाधिकारी ये मामला में बहुत कार्य प्रणाली उनकर बा बहुत बेहतर बा, ओकरे चलते ये सब संभव हो रहा बा। अब एगो नया घोषणा ही कि वैक्सीन लगवाएं 10 लाख पाएं, जी वैक्सीन लगवाई आ 10 लाख रुपया पाएं, लेकिन घबराए लगे गरज नहीं के यहाँ के घोषणा ना। देखिए सब जगह वैक्सीन लगवावे ला एगो बड़ा तेजी से माने ओकरा के का कहल जाए अभियान चलावल जा रहल बा, आ सभे लगावे वैक्सीन लगवावे एला जेबा से सेलिब्रिटी लोग आ तरह तरह के समझावल जा रहल बा टीवी पर, केहू भी लगावता तो देखम जे फेसबुक पर अपन डालता कि हम वैक्सीन लगवा लेनी है रुगे लगवाई, ऐसा ही सब जगह होता। अमेरिका में भी ऐसा चल रहा बा आ ओकरे के प्रोत्साहित करेला अमेरिका के ओहियो शहर शहर बा ओहियो शहर वहाँ के जे गवर्नर बाड़ा माइकल ट्विन ऊ जे बाड़ा से घोषणा कैले कि वैक्सीन लगवाई आ 10 लाख रुपया पाएं। जब एकरा पीछे कारण का बात से जानी, एकरा पीछे कारण भी बा कि सभे केहू वैक्सीन लगवावे, मतलब 100% आदमी जब से वैक्सीन से आच्छादित हो जाए ये ऊपर सोच बा। वो बतैलन कि एकरा ला जबा से कोरोना वायरस रिलीफ फंड जबा ओकरा तहत लॉटरी जबा से घोषित कल जाए 26 मई से, आ लॉटरी जब घोषित कल जाए ओमे उस सारा लोग लॉटरी में भागीदार हो सकी जे एक डोज भी कोरोना के वैक्सीन ले ले हो। वो बतैलें कि हमें लगभग 50 लाख रुपया वो खर्च करेला तैयार बड़ा, आ उहे ही उनकर घोषणा बा कि वैक्सीन लगाई आ 10 लाख रुपया पाई। तो आज इतने फिर हमने का हुई कालू भेंट, लेकिन रुगार सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य के ध्यान दें लोगन, जहाँ भी रहें मास्क लगाई, डिस्टेंसिंग के पालन करी आ लॉकडाउन के अक्षरशः जेबा से ओकर पालन होए के चाहिए। हमने का चैनल पर नया हुई तो निश्चित रूप से एकरा के सब्सक्राइब करी, हमने का फेसबुक ट्विटर पेज के लाइक करी आ बहुत प्रसन्न रही आ दूसरा के प्रसन्न रखी, चूँकि ये कोरोना काल में जेबा से आदमी मानसिक तनाव में जा रहा बा उसे बचला के जरूरत बा। आज इतने फिर भी यहाँ हुई भेंट, बहुत बहुत प्रणाम।